तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं पूरा चॉकलेट सिरप से मैं केक को ढक चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन योर लाइफ इवन इन द लॉकडाउन टू। तो दोस्तों कैसे गया आपका लॉकडाउन? भाई मेरा तो बहुत बोरिंग गया, दिन भर सो के पबजी खेल के दिन गुजरा है, पूछो ही मत। तो मैं देख रहा था सब लोग लॉकडाउन में खाना बना रहे हैं, घर साफ सफाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ बना लेता हूँ। अब दिन भर सो के पबजी खेल के मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया हूँ यूट्यूब में। तो सोचा चलो ओरियो केक बनाते हैं। यूट्यूब में देख रहा था कि सब क्या प्रोसेस है, इंग्रेडिएंट्स सब चाहिए बनाने के लिए, तो मैं गया बाजार लेकर आया बनाने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगा बनाऊँगा ओरियो केक। सो दोस्तों इंग्रेडिएंट्स रेडी है, तो हमको चाहिए ओरियो बिस्किट और सम मिल्क, सम चॉकलेट सिरप, जेम्स आपका बेकिंग पाउडर और एक मिक्सर बैटर बनाने के लिए। सो पहले ओरियो बिस्किट को हम ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम ओरियो बिस्किट को ग्राइंड करके डालेंगे। दोस्तों हम ओरियो बिस्किट को टूट के ब्रेक करके डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा भी मिल्क डालेंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो पाए। सो थोड़ा सा मिल्क डालना है और फिर अब ग्राइंड करेंगे, देखते कितना होता है उसके हिसाब से और मिल्क डालना पड़ेगा। मिक्स दिस। फ्रेंड्स अभी ग्राइंड खत्म हो चुका है, अभी हम देखेंगे कैसे बैटर हुआ है। आप देखिए साइड में रखेंगे और लेट्स चेक इट आउट मैन कैसे बैटर हुआ है। और ओ माय गॉड, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस, पूरा परफेक्ट बैटर हुआ है। तो दिखाऊंगा इसका अंदर से, देखो इसको बोलते हैं बैटर जो हम डालने वाले, पूरा परफेक्ट हुआ है। आपको ऐसे ही बैटर बनाना पड़ेगा, देख सकते हो इसका कितना स्मूथ बैटर हुआ है, ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा थिन भी नहीं, पूरा ऐसे ही बैटर आपको बनाना है। हाँ अब इसमें हम अच्छे से थोड़ा बेकिंग पाउडर मिक्स कर देंगे और बेकिंग पाउडर डालने के बाद थोड़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको हम बेक करेंगे, ठीक है। हम अभी इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डालेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है बेकिंग पाउडर। ये थोड़ा और बस इतू इतू सा दो चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं। और फिर से आपको थोड़ा सा जस्ट एक चम्मच ज़्यादा नहीं, आप स्पून में लेना, बस थोड़ा सा दूध बस इतना ही देना है। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमको फिर से मिक्स करना है ग्राइंडर में। सो लेट्स गो, और ये हमारा फाइनल ग्राइंड है, उसके बाद हम इसको बेक कर देंगे। तो गाइस यहाँ मिक्सर हो गया, आप देख सकते हो परफेक्ट बैटर हुआ है। अभी हम इसको निकाल देंगे यहाँ पे। दोस्तों देखिए पूरा फाइन बैटर रेडी है ओरियो मिल्क मिक्स का, देखिए ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ज़्यादा थिन भी नहीं करना, बस परफेक्ट बैटर रेडी है और इसको हम अभी बेक करेंगे। तो गाइस अभी हम बैटर को हम बेक करेंगे। अगर आपके घर में ओवन है तो आप ओवन से भी बेक कर सकते हैं, पर अगर किसी के घर में ओवन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको बेक करना है विदाउट ओवन का। सो अभी हम देख सकते हैं मेरे पास प्रेशर कुकर है
और आप प्रेशर कुकर का जो वॉल्स है, आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल से, कोई भी रिफाइंड ऑयल से, आपको कुकिंग ऑयल है रिफाइंड ऑयल से, आपको इसको ग्रीस करना है, इसके वॉल्स को थोड़ा ग्रीस कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप तभी भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं विदाउट बटर पेपर मैं यूज़ करने वाला हूँ। और मैं उसका प्रेशर कुकर के जो वॉल्स है इसको मैं थोड़ा ग्रीस कर दिया हूँ रिफाइन ऑयल से। अभी मैं इस जो बैटर है इसको मैं डालूँगा और 40 मिनट्स तक उसको मैं बेक करूँगा। ठीक है, तो लेट्स पोर द बैटर इनटू द प्रेशर कुकर। सो अभी हम इसको पोर करेंगे इसके अंदर। सो हम पूरा बैटर को प्रेशर कुकर में पोर कर चुके हैं। सो अभी उसका हम लेट को कवर करेंगे और 40 मिनट्स तक लो फ्लेम में इसको बेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कैसा होने वाला है और कैसे डेकोरेट भी करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। बट उससे पहले 40 मिनट्स तक बेक। सो इसको अभी हम लो फ्लेम में बेक कर रहे हैं पूरा 40 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि कैसे ये दिखेगा आफ्टर 40 मिनट्स। सो वी विल मीट नेक्स्ट आफ्टर 40 मिनट्स। सो गाइस प्रेशर कुकर से हम निकल चुके केक को। देखिए केक अच्छा नहीं बना है, क्या करे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा टूट फूट गया है। तो अभी इसको डेकोरेट करेंगे। कैसे डेकोरेट करेंगे, ये जो चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप को इसको तो डाल देंगे और जेम से उसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। सो गाइस अभी हम चॉकलेट सिरप को सब पोर कर चुके हैं एक बाउल में। सो अभी मैं सब चॉकलेट सिरप एक बाउल में पोर कर चुका हूँ। अभी थोड़ा डेकोरेट करेंगे स्पून से। सो मैं बोल रहा हूँ गाइस आप प्लीज मुझे फॉलो मत करना। मैं बोल रहा हूँ गाइस आप प्लीज मुझे फॉलो मत करना। आप अच्छी से डेकोरेट कर सकते हो, मैं बहुत गंदा हूँ कुकिंग में, बस फर्स्ट टाइम मैं सब ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपना केक डेकोरेट कर चुका हूँ, ये मेरा केक है और ये थोड़ा अभी वार्म है तो इसको मैं अभी फ्रिज में रखने वाला हूँ, फ्रीजर में, और डीप फ्रिज में रखना, बस नॉर्मल फ्रीजर में रखना और कुछ मिनट्स के बाद आप निकाल सकते हो और स्वादिष्ट केक खा सकते हो। तो अभी हम फ्रीजर में रखते हैं, उसके बाद हम चखते हैं इसको। तो दोस्तों ये था मेरा ओरियो केक। सो फ्रीजर के रखने के बाद बहुत टेस्टी था ओरियो केक, सो आप लोग भी ट्राई करना। तो फिलहाल तो मैं बाजार जा रहा हूँ मास्क पहन के, मम्मी ने भेजा है कुछ सामान लाने के लिए। तो आप लोग लॉकडाउन में क्या किए क्या नहीं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या क्या डिशेस ट्राई किए बताना कमेंट सेक्शन में। और तब तक स्टे ट्यून और वेट कीजिए मैं अगली वीडियो में।